हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुकिंग डिवास किचन। आज कुकिंग डिवास अपने किचन से एक नई परांठे की रेसिपी लाए हैं, स्प्रिंग अनियन परांठा या हरी प्याज का परांठा। इसके लिए मैंने ये स्प्रिंग अनियन लिया है, इनको धो के बारीक कट कर लिया है, दो छोटी कटोरी आटा और दो हरी मिर्चें। चलिए अब हम इसका आटा लगाते हैं। सबसे पहले हम आटे में थोड़ा सा नमक डाल देंगे, आपके स्वाद अनुसार थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ी अजवाइन और दो हरी मिर्चें, ये बारीक करके हम आटे में डाल देंगे। आटे में ये सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये प्याज आप आटे के हिसाब से इसके अंदर डाल दीजिए। मैंने दो कटोरी आटा लिया है तो एक कटोरी स्प्रिंग अनियंस लिए हैं। हम पानी कम डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी स्प्रिंग अनियंस अपना पानी छोड़ते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इस आटे को गूंथ लेंगे। मैंने बिल्कुल कम पानी डाल करके इस आटे को गूंथ लिया है। देखिए आटा गूंथ गया है, अब मैं इसको थोड़ा सा तेल लगा के रख दूंगी। अब हम ये परांठा बनाना शुरू करते हैं। मैंने मीडियम साइज की आटे की पेड़ी ले ली है, इसको अब हम बेलेंगे। जितना आप आटा कड़क लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा और ये बनने पर परांठा सॉफ्ट ही बनता है क्योंकि प्याज में अपना पानी होता है। ये परांठा बेल गया है, इसको तवे पे डाल दिया है, अब हम इसको सिकने देंगे। फ्लेम पे इसे सेकेंगे, एक तरफ से परांठा सिक गया है, अब हम दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे ताकि परांठा क्रिस्प हो जाए। ये देखिए परांठा क्रिस्प हो गया है, अब हम इसे तवे से उतार लेंगे। मैंने घर के बने हुए व्हाइट बटर के साथ सर्व किया है, इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा।